अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास सब्जेक्ट मैथ साइंस चैप्टर नंबर 2.4 और जिसकी आज इसका हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 यानी कि ओवरऑल जो चैप्टर वाइज लेक्चर है। अच्छा आज हमने क्वेश्चन नंबर इसका 1 करना है। कल भी हमने इसके लास्ट लेक्चर में 2-3 पार्ट कर लिए थे इस एक्सरसाइज के, आज बाकी कर लेते हैं, कम्प्लीट हो जाएगा आज ये। क्वेश्चन नंबर 1 सिम्प्लीफाई, ये पहला पार्ट आपके सामने है, ये नज़र आ रहा है बुक में भी, आपने सामने रखिएगा बुक ताकि आप बुक से सवाल देख के अच्छी तरह समझ सकें। सबसे पहला काम 243 को ब्रेक करें, 32 को ब्रेक करें, 196 को ब्रेक करें, ये होगा 3 पावर 5, ऊपर पावर -2/3 है, ये 2 पावर 5 ऊपर पावर -1/5 है, 196 होता है 14 स्केयर और ऊपर -1 है और ऊपर स्केयर रूट है। कितनी बात समझ आ गई, ये पावर कैंसिल नहीं हो रही तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -10/3, ये कैंसिल हो गया 2 पावर -1, ये मल्टीप्लाई हो गया 14 पावर -2 और ये स्केयर रूट की जगह 1/2 लगा दें। अब क्या काम होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, पावर पावर से कैंसिल, -1 आ जाएगा। चलें यहाँ तक पहुँच गए, अब ज़रा गौर कीजिएगा, तीनों की पावर नेगेटिव है, इसको ऊपर ले जाएं, इन दोनों को नीचे ले आए, पावर पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर आगे कटिंग कर दें 2 7 14, ये तो कटिंग होगी, इसका क्या करें, आप 3 पावर 10 अंदर लिख दें, 1/3 बाहर लिख दें, ठीक है। अब 3 पावर 10 को आप ब्रेक करें, 3 पावर 9 × 3 होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3। अब इनकी पावर अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दी, ये इससे कैंसिल होगा तो 3 आएगा 7 एज इट इज़, और इसको क्यूब रूट में लिख दें, इसकी पावर ओपन करके यहाँ लिख दें 3 पावर 3 27, ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। आखिरी स्टेप में मैंने 2 स्टेप किए हैं, ठीक है, इसके बाद ये स्टेप है फिर ये स्टेप है। अगले पार्ट में आए, पार्ट नंबर 4, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हम इनको फिर ब्रेक करेंगे। 81 होता है 3 पावर 4, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये 3 पावर 5, ये 3 पावर 2, ऊपर पावर 2 है, ऐसी रहने दें, ये 3 पावर 3। चलें अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है 4n, ये भी एज इट इज़, ये भी, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर ऐड कर दें, 4n - 1 + 5, पावर पावर से मल्टीप्लाई करें, 3 पावर 4 n 3 पावर 3, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने इन दोनों टर्म एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड करें, ये पावर को सॉल्व करके लिख दें, 4n + 4 आ जाएगा, ये भी पावर ऐड करें इनकी, 3 1 टाइम लिखें, ये बेसिक बातें आपको वैसे ही पता है। अब देखें ये जो 3 पावर 4 n + 3 है, ये दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो अलग अलग डिवाइड कर दें, 2 फ्रैक्शन बना दें, डिवाइड हो रहे हैं सेम है, पावर इनके माइनस होंगे, ये दोनों ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, ये भी दोनों ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं और टर्म एक जैसी है। 4n 4n से कैंसिल, 5 - 3 बचेगा, 4n 4n से कैंसिल, 4 - 3 बचेगा, 5 - 3 2 होता है, 4 - 3 1 होता है, 3 पावर 2 9, 3 पावर 1 3, 9 - 3 6, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है जी, बड़ा ध्यान से बड़े इतना से कीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, शो दैट, ये है जी 1 के इक्वल, देखते हैं, ये टर्म एक जैसे डिवाइड हो रही है, पावर ऊपर जाके माइनस, पावर ऊपर जाके माइनस, पावर ऊपर जाके माइनस। अब ये देखिए गौर से, एक फार्मूला बन रहा है, a + b a - b, b + c b - c, c + a c - a, a² - b² का फार्मूला है ये, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर दें। अब हर जगह a² - b² ना लिख दीजिएगा, अल्फ़ाबेट के लिहाज से जो दिए हुए हैं, इनका स्केयर माइनस इसका स्केयर, इसका स्केयर माइनस इसका स्केयर। अब ये सारी टर्म एक जैसी हैं, x x x, एक दफ़ा लिखें, सब की पावर ऐड कर दें तो सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल हो गए तो पावर आ जाएगी 0 और किसी की पावर 0, आंसर आता है 1, दोनों बराबर हो गए, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखें, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 पावर 2 होल पावर 3, 5 पावर 2 होल पावर × 3, ये 5 के ऊपर पावर है और उसके ऊपर भी पावर है, यहाँ पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, ये फ़र्क है। जैसे आप 2 पावर 3 क्या लेते हैं, 8 आता है ना, इसी तरह इस पावर वाले हिस्से में आपने काम करना है, 2 पावर 3 8 होते हैं, 2 3 6, दोनों टर्म डिवाइड हो रही हैं एक जैसी हैं, इनको डिवाइड फॉर्म में लिखें। अब दोनों डिवाइड हो रही हैं, टर्म एक जैसी हैं, पावर ऊपर बढ़ी है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो आ जाएगा 2 और 5 स्केयर होता है ये 25। इसी तरह एक और ये भी है,
ब्रैकेट आ रही है तो मल्टीप्लाई आना, ब्रैकेट आया इसका मतलब 3 की पावर 2 है वो 9 होता है और 3 2 6 होता है, डिवाइड एंड डिवीन फॉर्म एकदम पावर नीचे बढ़ी है, इसको नीचे ला के माइनस कर दो 1/x - x^3, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टार्ट हुआ है, इसका पहला और ये दूसरा पार्ट हम करेंगे। पहला पार्ट ये क्वेश्चन आपके सामने अच्छी तरह देख लें, हमने फिर से वही ये काम करें, इनको ब्रेक करते जाना है। 2 ब्रेक नहीं हो सकता, 27 3 का क्यूब है, 60 को मैंने ये ब्रेक किया है, 2² × 3 × 5, ये देखिए ये 180 है, 180 को मैंने यहाँ ब्रेक किया है, 2 2 टाइम है 3 2 टाइम है 5 1 टाइम, 2² × 3² × 5, ये देखिए ऊपर पावर एज इट इज रहेगी, ये 4 2² होता है -1/3 बाहर, 9 3² होता है 1/4 बाहर पावर। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते जाए, कटिंग करें, ये तो कटिंग नहीं हो रही, ये पावर कैंसिल होगी 3 एज इट इज, इन तीनों की पावर अलग कर दें 1/2 1/2 1/2, इन तीनों पे भी पावर 1/2 अलग कर दें, ये 2 पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें -2/3, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें कटिंग हो जाएगी 2 2 4, तो 1/2 आ जाएगा। इस टाइम में पावर को पावर से फिर सॉल्व करें, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये कैंसिल हो गए 2, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और ये भी कैंसिल हो गए 2, कैंसिल हो गए 2, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। आप देख रहे हैं मैं कटिंग करूँगा नहीं ताकि आपको ये ना समझना है, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सिर्फ ऊपर ये बचेगा नीचे ये बचेगा, मैंने ये लिख दिया, आप कटिंग कर लीजिएगा लिखते हुए, मैं नहीं कर रहा था कि आपको समझ ये ना होगा समझना है। आप टर्म एक जैसी हैं, डिवाइड हो रही है, पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले, मैं बड़ा करके यहाँ लिख देता हूँ, 1/3 + 2/3, 3 नीचे लिखते हैं, 3 1 1 1 1, 3 1 1 2 2, यही काम मैंने यहाँ पे पावर में किया, थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ, तो ये 3/3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 यही मैंने काम चलाया, ये देखिए, और 2 पावर 1 2 ही होता है, एक और दफ़ा लिख दें बेशक आप यहाँ पे आंसर बना दें आप, कोई मसला नहीं। चले क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये बड़ा अहम सवाल है और इस जैसा सवाल आपको रिव्यू एक्सरसाइज मिलेगा, वो आप करेंगे, उसमें और इसमें ये फ़र्क है, यहाँ -1/2 है, वहाँ -3/2 है, बस ये फ़र्क है। सबसे पहला काम, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये पावर नेगेटिव है, इसको उठा के ऊपर ले जाए पावर पॉजिटिव होगी। अब हल करें, 2 1 6 6 पावर 3 होता है, ये 3 3 से कैंसिल होगा, 6² आ जाएगा, 5 25 होता है, 5² 2 1/2 से कैंसिल, 5 आ जाएगा। इसका पॉइंट ख़त्म करें, ऊपर 4 नीचे आएगा 100, पॉइंट की जगह 1, जितने आगे डिजिट होते उतने 0 लगाते हैं, ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए, इनकी कटिंग करें तो 1/25 आएगा। अब ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है, और ऊपर 1/2 है, ये इससे कैंसिल, 1/5 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर जो बना हुआ है वो भी अंडर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, इस तरह वो बाहर ही रहेगा। जब यहाँ अंदर 1 आएगा तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, 6 1 6 हो जाएगा। अब दूसरे सवाल में क्या है जी बच्चों, मैं आपको यहाँ पे वैसे ही समझा देता हूँ थोड़ा सा, जो रिव्यू में है, रिव्यू में ऐसे है, यहाँ भी 25 है, 3/2 है, तो हम ये करेंगे, रिव्यू का सवाल बता रहा हूँ सिर्फ, जस्ट यहाँ तक पहुँचने के बाद हम 1/5² करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये तो बाहर आ गया। अब क्या करो, ये पावर 3 जो है, चले आप ऐसे लिखें 3 बच गया, अब आप ये करेंगे 1/5 पावर 3, ये पावर नीचे आके माइनस होगी, 1/5² ये कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा, 6 × 1/5 तो 6/5, वहाँ पे आंसर ये आएगा रिव्यू का, वही पोर्शन मैंने आपको करवा दिया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की बड़ी अच्छी समझ आई होगी, बार बार देखिएगा, बुक सामने रख के देखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।